असुर एक ऐसी वेब सीरीज जिसने 90% ऑडियंस का दिल जीत लिया। इस वेब सीरीज की कहानी वैसे तो मैथोलॉजी पर आधारित है, लेकिन इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डार्क साइड को भी दिखलाया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका इस्तेमाल आजकल लोग सबसे ज्यादा कर रहे हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं। फ्यूचर में इसके फायदे कम और नुकसान ज्यादा देखने को मिलेंगे। असुर इस वेब सीरीज के लीड रोल में हैं अरशद वारसी, इन्होंने इस फिल्म में ही नहीं अब तक जीत ने भी फिल्म किए हैं। मुन्ना भाई MBBS के बाद सभी सुपरहिट हुए हैं और हमेशा मिम्मे बने रहते हैं। इसके साथ ही इनकी खास बात यह है कि इन्हें कभी भी कोई भी अवार्ड शो में नहीं देखा गया है, ना ही ये किसी पार्टी में जाते हैं। साधारण जीवन और अच्छी फिल्में इनकी जीवन की मुख्य उद्देश्य है। दूसरे किरदारों की बात करें तो शुभ जोशी विलेन के रूप में काफी फिट है, इसके जैसा एक्टिंग करना काफी मुश्किल काम है। अन्य किरदारों जैसे निखिल नायर, नैना नायर और नुसरत सईद ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट पहले सीजन में कुछ और लोग समझ रहे होते हैं, लेकिन दूसरे सीजन में क्लाइमेक्स लोगों को चौंका देती है। पहले सीजन के अनुसार कलयुग का अंत करने के लिए कली को जन्म लेने के लिए मजबूर किया जाता है, इसलिए सिर्फ अच्छे लोगों को मारा जाता है। लेकिन दूसरे सीजन में पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिडिक्ट करता है लोगों का डर, मतलब किसी को कितना परसेंट मजबूर करने पर मर्डर कर देगा। इसी पर शुभ जोशी रिसर्च कर रहा होता है। ह्यूमन नेचर को वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बस समझ रहा होता है। इंसान तब तक ही इंसानियत दिखाता है जब तक बात खुद तक नहीं आई हो। अगर बात जब खुद की जान पर आ जाए तो इंसान अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को भी मार सकता है। इस विषय पर शुभ जोशी बहुत ही डिप जाकर स्टडी करने वाला रहता है, लेकिन यह बात CBI को हजम नहीं होती और अंत में आप सभी को पता ही है क्या होता है। हालांकि शुभ जोशी नहीं मरता, लेकिन अंत में निखिल नायर धोखे से मार देता है, अन्यथा हमें एक और सीजन देखने को मिलती। इस वेब सीरीज को आप जियो सिनेमा में भी देख सकते हैं।